चका चांद में दौलत की चका चांद में प्रेम सगाई भूल गए दादाजी गैरों से तो है प्यार मगर वाह भाई को भाई भूल गए दौलत की चका चौंध में प्रेम सगाई भूल गए गैरों से तो है प्यार मगर भाई को भाई भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए रक्षा बंधन लेकिन शाली का जन्मदिन याद रहा वाह दादाजी भूल गए रक्षाबंधन पर शाली का जन्मदिन याद रहा पत्नी के जेवर लाए मगर अम्मा की दवाई भूल गए वाह बड़ा सुंदर शायक गीतांश आया बहन जी की ओर से बड़ा सुंदर ढोलक की चाली थोड़ी बात दीजिए भैया कि मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी की ओर से सवाल जवाब के लिए कुछ नहीं ना चूंकि कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और क्या टीका टिप्पणी तो वो लोग करते हैं जब इधर से भी नहीं लिखा जाता है गीत तो उधर से भी नहीं तब बीच में टीका टिप्पणी लोग लगते बिल्कुल लेकिन जब दोनों ही तरफ से मेहनत की जा रही है तो उसमें गुंजाइश नहीं होती और क्या बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी ओर से आई Hey!
कुटिया में पधारे लगता लगता भाग सो जागे है हमारे हे यहाँ लेकिन ये आपका बरपन क्या बात क्या बात है ये आपका बरपन और दादा आए आए छोड़ भोग छप्पन मेरे दिल के ही पछताए और मेरे दिल को ही पसंद आए कहना है क्या ये आपका बड़प्पा आए छोड़ भोग छप्पन मेरे दिल को ही पसंद आए अरे मेरे दिल को ही पसंद आए सुनिएगा अपनी ओर से मनोज सहलाने का प्रयास कर रहा है उधर भगवान कन्हैया आ दुर्वासा यानी कि विदुर चाचा के केले के छिलके की बात आई लेकिन इधर सुनिएगा कैसे प्रसंग ले रहा हूं जवान के रूम में जब दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ द्रौपदी जी के यहां पधार रहे तब देखिए उनके यहां अक्षय पात्र क्या बात है और उस अक्षय पात्र की बात सुनेगा कैसे पांडवों से दुर्वासा जी ने भोजन मांगा तो अक्षय पात्र खाली था लेकिन तो द्रौपदी जी ने कृष्ण जी को पुकारा और कहा क्या सुनेगा दुर्वासा जी बहुत क्रोधी स्वभाव के कहीं श्राप ना दे दे इसलिए द्रौपदी भयभीत कहना हुआ क्या ऋषिवर के दर से देखो दुखिता हुई बिचारी लेकिन किया याद द्रौपदी ने क्या बात है भैया जी किया याद द्रौपदी ने सताया त्रास दीने किया याद द्रौपदी ने सताया त्रास दीने तो तोरे आनंद कांड आए लेकिन उन्हें जूठन ही पसंद आए क्या बात है वाह ना है कि याद द्रौपदी ने यू सताया त्रास दीने तोरे आनंद कांड आए हो अरे उन्हें जूठन ही पसंद आए हो उन्हें जूठन ही पसंद आए हो उन्हें जूठन ही पसंद आए ये
आप सकते, आपके सुंदर से गीतार्थ का जवाब अपनी ओर से प्रयास रहा और क्या, और एक सुंदर सा आपकी ओर से गीत आया। ढोलक की चाटी भैया बढ़ा दीजिए। सुनिएगा कैसे धुनाई आपकी ओर से कैसे, कि तेरे नरम बालों में तारे सजा के तुझे रात को जमा चाहता हूँ, तुझे रात को जमा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आशरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आशरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, सुनिएगा अपनी ओर से कैसे आपकी ओर से बात आई, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आई, कहना हुआ क्या, गुरुकुल में जाके पाई जो शिक्षा, गुरुकुल में जाके पाई जो शिक्षा। और दादाजी त्रिपाठी जी बहन जी की ओर से बात आई, आज सुनो अब तुम्हारी क्षमा ही परीक्षा, क्षमा ही परीक्षा कहना है, तुम्हें करनी यज्ञ की रघुराई रक्षा, क्या बात है, तुम्हें करनी यज्ञ की रघुराई रक्षा, क्यों क्यों, क्योंकि गुरु और पिता में कोई, बड़ी सुंदर बात आई आपकी ओर से, अरे गुरु से ना पढ़ के, गुरु से न पढ़ के जगत के, गुरु से न पढ़ के जगत के पिता हैं, यही आज से दशरथ जी कह रहे हैं, अरे यही आज से तेरे माता पिता हैं। अपनी ओर से सुनिएगा बहन जी कैसे आपकी ओर से बात आई, यही आज से तेरे माता पिता हैं, वाह, लेकिन अपनी ओर से पंक्तियां सुनिएगा जवाब के रूप में कैसे, जब माता
कौशल्या जी ने सुना कि राम जी को वनवास हो गया, माता पिता दोनों ने दिया है, तो कौशल्या राम जी से कहने लगी क्या सुनिएगा, पितु बन देव कहना हुआ क्या, पितु बन देव मातु बन देवी बन मृग शकल सरोरुह सेवी, पितु बन देव मातु बन देवी खग मृग शकल सरोरुह सेवी, कहना हुआ क्या, माता पिता ने कहा बन जो जाना, कौशल्या जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं क्या, क्या? माता पिता ने कहा बन को जाना, यहां यदि जाना तो जंगल तुम्हें सब, जंगल तुम्हें सब अवध के समाना, दादाजी जंगल तुम्हें सत अवध के समाना, के जाकर के वन में कर्म है कमाना, हो जाकर के जाकर के वन में कर्म है कमाना, बन देव बन देव बन देवी वासता है, कि बन देव वन देवी का वासता है, और कहने लगी कौशल्या मैया क्या, क्या कहने लगी, यही आज से, ओ यही आज से तेरे माता पिता है, विजय भाई जी कहने लगी कौशल्या मैया हाँ कि यही बन देवी और बन देव हाँ आज से तुम्हारे माता पिता, कहना है क्या, जाकर के कहना है बन देव का, भैया जी बन देव वन देवी का वास्ता है, यही आज से यही आज से तेरे माता पिता, यही आज से माता पिता, यही आज से तेरे माता पिता, यही आज से, दूसरी अंत सुनिए कैसे दादाजी, जब 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 माता अंजलि जी ने सुना हाँ कि राम को हनुमान की मदद की आवश्यकता है, और क्या, जब सुना हाँ कि राम को हनुमान की मदद की जरूरत है आवश्यकता है हाँ, तो माता अंजलि जी ने हनुमान जी का हाथ भगवान राम के हाथ में देकर हनुमान जी से कहा क्या, क्या सुनिए, कहना है क्या, सेवा धर्म को सुनेगा, हेलो भैया थोड़ा सा आवाज, हेलो हेलो
बोलते जाओ ना क्या। हेलो सेवा धर्म को हमेशा निभाना, सेवा धर्म नहीं भूलना। हेलो हेलो हनुमान, सेवा धर्म नहीं भूलना। और क्या दादा? सेवा धर्म को हमेशा निभाना, वचन ये हमारा, वचन ये हमारा कभी ना भुलाना, वचन ये भुलाना कभी ना भुलाना। कहने लगी क्या माता अंजलि, हाय हनुमान, सकल विधि सकल विधि सकल सकल विधि सकल काज इनके बनाना, सकल विधि सकल काज इनके बनाना बनाना। लेकिन सैलानी मत त्यागना रास्ता है, क्या बात है, सैलानी मत त्यागना रास्ता है, क्यों यही आज से तेरे माता पिता है। अरे हनुमान, राम जी और जानकी जी अच्छे माता पिता है तुम्हारे, कहना है कि सैलानी मत त्यागना रास्ता है, यही आज से माता पिता है, यही आज से है। बोले भैया मैया की, हनुमान जी महाराज की, इस प्रकार से यथा शक्ति आपका सुंदर से गीत का अपनी ओर से प्रयास रहा, और अब चलते हैं अपने सुंदर से गीत की ओर। बिल्कुल सुनिएगा दर्श रचना कौन सी, एक धुनाई कौन से, अरे जमाना तो कलवत बदलता रहेगा, क्या बात है, तराने बनेंगे, मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटाने के शो शो बहाने हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी ना इसका फसाना बनेगा, यहो मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न दूंगा, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न दूंगा।
रचना है विजय भैया, बहुत ही सुंदर रचना सुनिएगा, निश्चित रूप से पसंद आएगी। विद्वान जनमानस विराजमान, वास्तव में कीर्तन सुनने वाले अब श्रोता बैठे हैं, कीर्तन में जो आनंद लेते हैं, जो मजा लेने आते हैं, वो चले जाते हैं। अब आनंद लेने वाले श्रोता भक्त लोग बैठे हैं, सुनिएगा इस सुंदर सी रचना को। कैसे उस समय की बात है, भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि ब्याह कर माता जानकी मांडवी सुतकीर्त आदि ब्याह करके जब आ गई अयोध्या, तब देखिए तीनों माताएं कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया बड़ी आतुर हैं। जब नई नवेली बहू घर में आती है तो मुंह देखने के लिए, हमारी माताएं जानती हैं, मुंह देखने के लिए बड़ी व्याकुल हैं। अब देखिए कहना हुआ क्या, अरे कहना हुआ स्वयंवर में प्रिय वर, क्या बात है क्या बात है, स्वयंवर में प्रिय वर रघुबर को बल के, भैया जी स्वयंवर में प्रिय वर रघुबर को बल के, दादाजी जनक जानकी से जुदा हो के आई, जनक जानकी से जुदा हो के आई तो जनक जानकी प्यारी, राकेश दादा जनक जानकी प्यारी वो जानकी जब, जनक जानकी प्यारी वो जानकी जब जनकपुर से देखो पिता हो के आयो, जनकपुर से देखो पिता हो के आये, जनकपुर से देखो पिता हो के आये, जनकपुर से विदा होकर के आ गई। तो देखिए माताओं में बड़ी लालसा है, बहुत ही उत्सुकता है कि बहुओं का मुंह देखा जाए, माता जी बहुओं का मुख देखा जाए। अब मुख देखने के लिए माता कौशल्या माता सुमित्रा माता कैकेयी तीनों आतुर है। तब हुआ क्या क्या अति जब डोली के चक्कर लगा रही है कि पहले मैं देखूं क्या हुआ, कटोली से दुल्हन उतारन की खातिर, डोली से दुल्हन अरे उतारन की खातिर, डोली के इत उत फिरे माताएं डोली के हित उत डोल रही है। कहना हुआ क्या, अरे डोली के हित डोली, डोली के हित डोली फिरे डोली डोली, माता कौशल्या माता सुमित्रा और माता कैकेयी तीनों डोल रही डोली के अगल बगल। कहना हुआ क्या, डोली के हित डोली
फिरे डोली डोली लेकिन लेकिन के पावन घड़ी वो सदा हो के आई। क्या बात है, पावन घड़ी वो सदा हो के आई, कहना है क्या? अरे जनक जानकी प्यारी वो जानकी जब जनकपुर से देखो विदा हो के आई, जनकपुर से देखो विदा हो के आई, जनकपुर से देखो विदा हो के आई। क्या बात है, ये विशेष स्नेह है हमारे बड़े भैया श्री राकेश राही जी जिनका सानिध्य हम बच्चों को प्राप्त होता रहता है, घाटमपुर कानपुर से पधारे हैं और आज बड़ा स्नेह आपका हम बच्चों के ऊपर रहा, जो कि हम बच्चों ने सूचना दिया और कहने लगे आज मैं जरूर आऊंगा आपके साथ। कोट कोट प्रणाम है आपके द्वारा, एक से एक पुत्रों का आशीर्वाद दिया है, कोट कोट प्रणाम कर रहा हूं आदरणीय दादा को, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, जब माताएं उत्सुक हैं मुखमंडल देखने के लिए तो देखिए जैसे ही डोली माता जानकी की तो उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति की उतरी, डोली से बहुएं बाहर आई मुखमंडल देखने के लिए, घूंघट जैसे ही पलटना चाहा माताओं ने पीछे से आवाज आई, बहन जी इसकी पीछे से आवाज एक आई और वो आवाज जो दे रहे थे वो और कोई नहीं महाराज दशरथ थे। कहने लगे यदि मुखमंडल देखना है बहुओं का तो सुनिए, कहते जो अलभ्य वस्तु देकर अपनी ममता दिखलाएगी सुकुमारी कुल मधु का वो मुख मधुर देख आएगी। इस प्रकार से जब कहा अलभ्य वस्तु देकर तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, अलभ्य वस्तु कौन सी दी जाए मुख देखने के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद विजय दादा थोड़ी ही देर बाद माता कैकेयी की उत्सुकता और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि राम को यदि कोई चाहता था अयोध्या में सबसे अधिक तो माता कैकेयी ही चाहती थी। उत्सुकता बढ़ गई तो देखिए बड़ी सुंदरता के साथ पंक्तियां कहना पड़ा, कहना हुआ ओ जोड़ी जो जोड़ी आखिर उत्सुक क्यों है? क्योंकि सबसे प्यारे राम है और पता नहीं विधाता ने कैसी जोड़ी जोड़ दी हो। मन में ये बात चल रही है, सवाल चल रहा है उनके मन में, यही उत्सुकता का कारण है। कहना हुआ क्या जोड़ी जो जोड़ी हो विधना ने जोड़ी और है जोड़ी की जोड़ी या फिर न जोड़ी, पता नहीं जोड़ की जोड़ी है कि नहीं है। कहना हुआ क्या जोड़ी है जो प्री अंतर से जोड़ी मिलाने को जोड़ी खामोशी तोड़ी मिलाने को जोड़ी खामोशी तोड़ी, जब तोड़ी तो माता कैकेयी जी ने सीता जी का मुख घूंघट उठाया और जैसे ही मुखमंडल पर नजर पड़ी मैया कैकेयी की तो कहने लगी कनक भवन फीका है उनके सामने, तो बहुत छोटी बात है, छोटी वस्तु है। कहना हुआ क्या अरे कनक भवन देखकर सिया मुख है देखा, भैया जी कनक भवन देखकर सिया मुख है देखा, भैया जी
जो सबसे बड़ी संपदा हो के आई। जैसे मानो सबसे बड़ी संपदा आ गई हो अयोध्या के राजभवन में। कनक भवन फीका पड़ गया, कनक भवन फीका पड़ गया, मैया सीता जी के मुख के आगे कहना हो। जनक जानकी प्यारी वो जानकी जब जनकपुर से दे को पिता हो के आए। जनकपुर से दे को पिता हो के आए। जनकपुर से दे को पिता हो के आए। क्या क्या करते जय जय। और ये आदरणीय श्री अनुज कुमार दीक्षित जी, ये एक कॉपी हमारे लिए गिफ्ट कर रहे हैं, सप्रेम भेंट दे रहे हैं। श्री दुर्गा माता मंदिर आलमनगर सीतापुर। अब श्री हाथी मंदिर सीतापुर रोड त्रिवेणी नगर लखनऊ। आपने ये 11 पद मुद्राएं और एक कॉपी भेंट की है। कोट कोट साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा कहना हुआ क्या। जब माता कैकेयी जी ने कनक भवन भेंट कर दिया तो माता सुमित्रा ने सुना कैकेयी के द्वारा कनक भवन दिया गया तो उनके मन की उत्सुकता और बढ़ी। लेकिन मन में विचार आ रहा है आखिर करें क्या, क्या करें। मुख देखने के बदले में हम दे तो क्या दे। हाँ कहना अरे मान संदे मान रही है दुखारी, रही है दुखारी, रही है दुखारी। माता माता सुमित्रा मन ही मन दुखित भी है क्या। हाँ कैकेयी ने तो कनक भवन दे दिया और हम क्या दें। हुआ तभी सुनिएगा मन के चमन के, मन के चमन के मुस्काए मन के। तो मैया सुमित्रा जी ने चूड़ा मरी माँ तूने है उतारी। वाह माता सुमित्रा जी ने चूड़ा मरी उतार लिया और सीता जी के मुख देखने के लिए दे दिया। मैया जानकी को चूड़ा मरी गा दिया। चूड़ा मरी माँ तूने है उतारी। क्या सिया कर में दे कर, सिया कर में दे कर, अरे सिया कर में दे कर दिया हक अदा कर। सिया कर में दे कर दिया हक अदा कर, ज्यो कर्ज से माता हो के आई। जो कर्ज से माता हो के आई, जो कर्ज से माता हो के आई, ज्यो कर्ज से माँ अदा हो के आई। जब माता सुमित्रा जी ने चूड़ा मरी उतार करके दे दिया सीता जी को मुख देखने के लिए। अब देखिए माता कौशल्या क्या करती है। क्या माता कौशल्या विचार करती है मन ही मन, मेरे लिए क्या बचा है देने के लिए। प्रभु श्री राम के पास पहुंचती है और प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ करके कलाई पकड़ करके मैया जानकी के पास पहुंची है। कहती है सुनो बहू है। पकड़ कर
कर पलाई। कौशल्या माई क्या बात है माता कौशल्या, कहने लगी बहू क्या मेरे पास इससे बहुमूल्य वस्तु नहीं हो सकती। कैसे कहना है कबोली सिया से कौशल्या माई, लेकिन सुर नर मुनि के लिए कसुर नर उन्हीं के लिए जो है दुर्लभ, उन्हें दे रही मैं तुम्हें मुख दिखाए, तुम्हें मुख दिखाए, तुम्हें मुख दिखाए। माता कौशल्या ने भगवान श्री राम का हाथ पकड़ के मैया जानकी के हाथ में दिया, कहा दिया और कहने लगी क्या कि इससे अलग वस्तु संसार में नहीं हो सकता। तब हुआ क्या, क्या? कहना हुआ क्या हो, उन्हें दे रही मैं तुम्हें मुख दिखाए, सैलानी ये रीति मुख देखने की, वही से मुख देखने की रीति चल पड़ी। क्या बात है, संसार में जब मुख देखती है माता तो बदले में कुछ ना कुछ जरूर देती है, देती है। कहना हुआ आज भी सैलानी ये रीति मुख देखने की, संसार में कायदा हो के आई, संसार में कायदा हो के आई, संसार प्रेम सोले भैया मैया की बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए अपनी ओर से एक छोटा सा गीतांश बहन जी सुनिएगा, सुना हुआ टुकड़ा है बिल्कुल, आप लोग सुने। धुन बजी कौन सी, अरे कुछ कह ले कुछ कर ले संसार, कुछ कह ले कुछ कर ले संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार जी, के कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार, कोई देख ले तो कोई देख ले, कोई जान ले तो कोई जान ले, कोई कोई दोष हमारे सर नहीं जी, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवान
पानी पर नहीं। धन्यवाद है आपका, स्वागत है, कहना है। कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। पर धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। बात आ रही, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। सुनेगा टुकड़ा दादाजी। अरे रहे चांदनी से दुनिया को सींच, क्या बात है भैया जी, सुनेगा। हो रहे चांदनी से दुनिया को सींच, चंदा मामा की कुछ करनी नीच। क्या बात है, संपूर्ण संसार में प्रकाश देते हैं, लेकिन इसके बाद भी मामा रावण का पाया मारी। बहन जी सुनिएगा। अरे रावण के मामा रावण का पाया मारी, छल कर ले गया प्रभु को विपिन के बीच। भगवान श्री राम को छल लिया उसने, और किया क्या, क्या? मकार कहीं हथियार कहीं, अरे मकार कहीं हथियार कहीं, कर चुगलन का व्यापार कहीं, कर चुगलन का व्यापार कहीं, कर चुगलन का व्यापार कहीं। हो हर बार यही हंगामा है, हर बार यही हंगामा है, बड़ा धोखेबाज ये मामा है। वाह, हर ओर यही हंगामा है, बड़ा धोखेबाज ये मामा है। क्यों मामा मुर्दा बन बोला, वाह मामा मुर्दा बन बोला। क्या बात है, सुनिएगा पंक्ति, सुनिएगा केवल। जब मुर्दा बन करके बोला तो अहिल्या माँ के साथ छल हो गया दादा, और जब मिर्गा बनकर के बोला तो माता जानकी के साथ। क्या बात, कहना हुआ इसलिए हर ओर यही हंगामा है, बड़ा धोखे बाज ये मामा है। अरे मामा मिर्गा, मामा मुर्गा बन बोला, मामा मिर्गा बन बोला, मामा मुर्गा बन बोला, मामा मिर्गा बन बोला, मामा मुर्गा बन बोला, मामा मिर्गा बन बोला। केवल और छोटी ई मात्रा है, सुनेगा। पुनः आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानित कीर्तनकारा बड़ी बहन कल्पना द्विवेदी जी को, आइए आपका स्वागत है।